प्यारे विद्यार्थियों, आरसीआई एजु हब बानसूर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अपना पिछला बिंदु चल रहा था लेखा शास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। उसमें मैंने आपको बताया कि लेखा शास्त्र का परिचय जानने के लिए हमें कुछ विशेष बिंदुओं को जानना पड़ेगा, अर्थात विशेष बिंदुओं का अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें बिंदु बताया था लेखा शास्त्र का इतिहास। जब तक हम लेखा शास्त्र के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हमें लेखा शास्त्र का पूरा परिचय नहीं हो सकता। इसलिए लेखा शास्त्र का पूरा परिचय प्राप्त करने के लिए हमें लेखा शास्त्र के इतिहास को जानना होगा। अब लेखा शास्त्र का इतिहास क्या कहता है कि लेखा शास्त्र का जन्म कब हुआ, लेखा शास्त्र का जनक है कौन, किस देश से ये लेखा शास्त्र चालू हुआ, किस देश में इसका जन्म हुआ, ये समस्त जानकारियां जो होंगी वो हम लेखा शास्त्र के इतिहास में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि लेखा शास्त्र का जन्म, ये लेखा शास्त्र का जन्म, देखिए लेखा शास्त्र का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। कब हुआ? 15वीं शताब्दी के अंत में। पंद्रहवीं शताब्दी के समाप्त होते समय लेखा शास्त्र का जन्म हुआ। अब बात सबसे पहले ये आती है कि जब लेखा शास्त्र का जन्म तो हो गया, लेकिन इसके जनक हैं कौन, इसके पिता कौन है, इसके जन्मदाता कौन है, अर्थात लेखा शास्त्र को सबसे पहले किसने जाना। तो देखिए, लेखा शास्त्र का जनक इस जनक को हम जन्मदाता भी कह सकते हैं, अर्थात इसको पिता भी कह सकते हैं। पिता, लेखा शास्त्र का जो जनक है, इसको जन्म देने वाला, अर्थात इसको सबसे पहले जिसने जाना, जिसको सबसे पहले लेखा शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, वो ही इसका जनक है। इसका नाम है लूकास पैसियोली। लूकास पैसियोली नाम के व्यक्ति लेखा शास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। वैसे लूकास पैसियोली का संबंध कॉमर्स से नहीं था, वाणिज्य से नहीं था, ये एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित से संबंधित बहुत प्रकार के पुस्तकें भी लिखी हैं। तो ये महान एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था लूकास पैसियोली। इनका जन्म इटली में हुआ, और इटली के वेनिस नगर में। इनका जन्म हुआ, वहीं के ये रहने वाले थे, और यहीं इटली के वेनिस नगर में ही इन्होंने लेखा शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करी। देखिए, आगे बता दूं आपको, लूकास पैसियोली ने एक पुस्तक लिखी थी, सन 1494 में। लूकास पैसियोली ने सन 1494 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक लिखी। किसने? लूकास पैसियोली ने। कब लिखी? 1494 में। अब पुस्तक तो लिख दी,
लेकिन इस पुस्तक को लैटिन भाषा में लिखा गया। भाषा कौन सी थी? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। लुकास पैसियोली ने 1494 में एक पुस्तक लिखी, डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स। अब इस डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स नामक जो पुस्तक लिखी वो लैटिन भाषा में लिखी। अब लैटिन भाषा का विशेष जो जानकार हो केवल वो ही इसका उपयोग कर सकता था। अब लोगों में इसके उपयोग के लिए बहुत सारी समस्याएं आई। भाषा से संबंधित समस्या होने के कारण इसका उपयोग सभी व्यक्ति कर नहीं पा रहे थे, सभी देशों में इसका प्रचलन नहीं हो पाया था। इसलिए इसी लैटिन भाषा में लिखी गई पुस्तक का अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया। क्या किया गया? अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया, अर्थात जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में अनुवाद। अंग्रेजी में अनुवाद किया। कौन सी भाषा, कौन सी पुस्तक का? डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स नामक जो पुस्तक लुकास पैसियोली ने लिखी थी 1494 में, वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। इसी पुस्तक को अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया। अंग्रेजी में रूपांतरित करने वाले व्यक्ति का नाम था हुज ओल्ड कैसिल। सन 1543 में हुज ओल्ड कैसिल नामक व्यक्ति ने, हुज ओल्ड कैसिल नामक व्यक्ति ने लुकास पैसियोली द्वारा लिखी गई डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक का 1543 में अंग्रेजी में अनुवाद किया, ताकि इसी पुस्तक को समस्त देशों में प्रयोग में लिया जा सके। अब उसके बाद एक लेखांकन प्रणाली आई। क्या है कि सभी देशों में भाषाएं अलग अलग चलती हैं, अंग्रेजी भाषा लगभग पूरे विश्व में चलती है, इसलिए एक प्रणाली आई। वैसे तीन प्रणालियां हैं अपने पास, एक एरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और भारतीय भाषा के अनुसार तीसरी प्रणाली भारत में अपनाई जाती थी। लेकिन जो दोहरा लेखा प्रणाली जिसको अंग्रेजी में लिखा जाता है, जिसमें अंग्रेजी में लेन देनों को लिखा जाता है, उसी प्रणाली को जन्म देने वाले व्यक्ति अंग्रेजी में लेखांकन प्रणाली का प्रतिपादन। सन 1795 में एक अंग्रेजी की लेखांकन प्रणाली का प्रतिपादन हुआ, अर्थात लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली एक प्रचलन में आई। ये 1795 में एडवर्ड जॉन द्वारा प्रचलन में लाई गई। यहाँ एडवर्ड जॉन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग
ये अंग्रेजी प्रणाली जब लाई गई तो उसी के बाद से ही लेखा शास्त्र का प्रयोग किया जाने लगा। देखिए प्राचीन समय में मैं आपको बता दूं कि जो वाणिज्य की जो नगरी हुआ करती थी, वाणिज्य की नगरी अर्थात जिसको अपन कहते हैं कॉमर्स, कॉमर्स को सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता था, वो था बेबीलोनिया, वाणिज्य नगरी। वाणिज्य नगरी बेबीलोनिया, प्यारे विद्यार्थियों ये आपके सामने लेखा शास्त्र का इतिहास मैंने आपको समझाया। फिर मैं दोबारा से बता देता हूं कि लेखा शास्त्र का जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। लेखा शास्त्र का जन्म देने वाले व्यक्ति अर्थात लेखा शास्त्र के जनक है जन्मदाता लुकास पैसिओली, लुकास पैसिओली ने जो लुकास पैसिओली जो एक महान गणितज्ञ थे जिनका जन्म इटली में हुआ, इटली के वेनिस नगर में, यहीं से इन्होंने लेखा शास्त्र का अध्ययन किया, लेखा शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करी, उनका परिचय दिया। लेखा लुकास पैसिओली ने सन 1494 में एक पुस्तक लिखी डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स, डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स नामक जो पुस्तक लुकास पैसिओली ने लिखी वो लैटिन भाषा में लिखी गई। लैटिन भाषा सभी देशों में प्रचलन में नहीं थी, सभी को इस भाषा का ज्ञान नहीं था, इस वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही थी। इसी पुस्तक को अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया सन 1543 में हुज ओल्ड कैसिल द्वारा, ताकि इस पुस्तक के आधार पर लेखा शास्त्र को प्रयोग में लाया जा सके। अब यहाँ लेखा शास्त्र में एक लेन देनों को लिखने के लिए प्रणाली आई, उस प्रणाली अंग्रेजी में प्रणाली आई अर्थात अंग्रेजी में लेखा शास्त्र शास्त्र प्रणाली का एक प्रतिपादन हुआ, जन्म हुआ, और वो हुआ सन 1795 में। किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जॉन के द्वारा। एडवर्ड जॉन ने एक पुस्तक लिखी थी द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये इंग्लिश में लिखी गई और इसी के आधार पर लेखा शास्त्र का प्रयोग किया जाने लगा। पूरे विश्व में पुराने जमाने में वाणिज्य की जो नगरी थी वो बेबीलोनिया थी। बेबीलोनिया में ही सबसे अधिक लेखा शास्त्र का प्रयोग किया जाता था। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुष्प पालन के मध्य जो संबंध है वो अगले बिंदु में पढ़ेंगे। धन्यवाद।